हमारे पास जब से हम पैदा हुए कितनी सारी चीजें, हमारी बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स है, हमारी आंखें हैं, हमारे नाक है, हमारा कान है, कितनी सारी चीजें हमारे पास हमारे जन्म से प्रेजेंट है। तो ऐसे एक और बहुत स्पेशल चीज है जो हमारे पास हमारे जन्म से प्रेजेंट है, जिसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इस इननेट इम्यूनिटी के बारे में ही जानने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। देखते हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में। देखो, इननेट इम्यूनिटी किसका पार्ट है? इम्यूनिटी का पार्ट है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो फाइट कर सके किसी पैथोजन से जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। जैसे कि हम जितनी भी एक्शन मूवीज में देखते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे आता है जो किंग को खत्म करना चाहता है या सिटी को खत्म करना चाहता है, तो सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं किंग को भी, वहां की जनता को भी। सेम यहाँ पर इम्यूनिटी का भी काम होता है। अब इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज के लेक्चर में हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इननेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है कि वो दुश्मन में ये नहीं देखती कि ये स्पेसिफिक दुश्मन कौन सा है, स्पेसिफिक दुश्मन कौन सा है। वो सिर्फ हर एक दुश्मन के लिए एक जैसे एक्ट करती है, भले ही वो कोई भी हो, उसके लिए एक ही तरीके से एक्ट करेगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। अब यहां पर इननेट इम्यूनिटी जो है, इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? ऐसा डिफेंस जो सबसे पहले उस पैथोजन को आने से रोकेगा। जैसे कि कभी कोई फाइट होती है तो सबसे पहले सोल्जर्स होते हैं जो यहां पर वो जो दुश्मन है उसको अंदर आने से रोके। ऐसे यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा जो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पैथोजन को आने से रोक सके। अब ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, इसमें आते कौन है? इसमें यहां पर आएगा फिजिकल बैरियर या फिर केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? जैसे कि हमारी स्किन कितने सारे पैथोजन को आने से रोकती है। हमारी स्किन अगर कट जाती है तो उसके थ्रू कितने सारे पैथोजन अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर स्किन पूरी ठीक है तो यहां पर पैथोजन क्या नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज में म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है ताकि वो हमारी बॉडी में अंदर तक जाए ना। तो ये क्या है? ये यहां पर फिजिकल बैरियर होते हैं। ऐसे ही यहां पर आते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल मतलब कुछ तो केमिकल है, जैसे कि पीएच। हमारे स्टमक का यहां पर जो पीएच है वो कितनी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे हमारे पास है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है वो एक एंजाइम होता है जो हमारे टीयर्स में और मुंह में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसी को डिग्रेड कर देता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल ही अगर डिग्रेड हो गई तो क्या बचेगा? इसी के साथ साथ लैक्टोफेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो क्या करेगा, जो मेटल्स होते हैं ना उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अब हर एक चीज को ग्रो होने के लिए मेटल चाहिए, तो यहां पर पैथोजन के पास अगर मेटल ही नहीं होगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली यहां पर डिफेंसिनेंस होते हैं। डिफेंसिनेंस का क्या काम होता है? ये भी पैथोजन को मारने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहां पर क्या, यहां पर इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। इसके बाद अगर इननेट इम्यूनिटी में देखें तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नाम से पता चल रहा है कुछ तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसमें 30 प्रोटीन आते हैं जिनको हम सीरम प्रोटीन कहते हैं। ये जो सीरम प्रोटीन है लीवर बनाता है। इस सीरम का काम क्या होता है या फिर इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये पैथोजन को जाके पहचानते हैं और अगर इनको लगता है कि पैथोजन है तो एक के बाद एक सीरियल वाइज मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद फाइनली वो जो पैथोजन है उसकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम होता है कि पैथोजन को पहचान सकते हैं और पैथोजन की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इनका नाम कॉम्प्लीमेंट क्यों रखा? क्योंकि ये एंटीबॉडी के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंटीबॉडीज होती है, ऐसे ये भी काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर हम यहां पर देखें, इसके बाद आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले कौन आता है? सेल्स आते हैं। सेल्स अगर हम यहां पर देखें तो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफाज है, नेचुरल किलर सेल्स है, ये सब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, सेल्यूलर प्रोसेस में आते हैं।
इनका काम होता है जैसे मैक्रोफाज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं और जो पैथोजन है ना उसको खा सकते हैं, ताकि पैथोजन ही अगर बचेगा नहीं उसको खा लिया तो क्या बचेगा, फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। इनमें से अगर हम मैक्रोफाज देखें तो मैक्रोफाज लॉन्ग लिव्ड होता है और जैसे रात को पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है ऐसे ये भी टिश्यू की पेट्रोलिंग करता रहता है कि भाई कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल तो आया नहीं, अगर आया है तो भाई उसको खत्म करो। अगर हम यहां पे देखें इसके अलावा यहां पर पी आर आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पैथोजन रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन रिसेप्टर या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इनको बोला जाता है। ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं ये किसके पास होते हैं, डेंड्राइट्स के पास होते हैं, मैक्रोफाज के पास होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के पास होते हैं, उनके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर है, नाम से पता चला रिसीव कर रहा होगा, जैसे कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम उसको डोर पे रिसीव करने जाते हैं, ऐसे ये भी रिसीव करेगा। किसको रिसीव करता है, पैम्प नाम के मॉलिक्यूल को। पैम्प का मतलब क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये किसके पास है, पैथोजन के पास होगा। पैथोजन के पास ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि पैथोजन के पास फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिला का प्रोटीन इसमें हो सकता है, या फिर पिलिन प्रोटीन हो सकता है, या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में लिपोपॉलीसेक्राइड होता है तो वो हो सकता है। ये सब कैसे एक्ट करेंगे, ये सब एक्ट करेंगे एज अ पैम्प मॉलिक्यूल, जिसको कौन पहचानेगा, हमारा पी आर आर पहचानेगा। PRR के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टोल लाइक रिसेप्टर इसका एग्जाम्पल होता है। एक बार पैम्प को पहुंचा पहचानने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, क्या चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं, ये हंगामा कर देंगे, लिटरली ये हंगामा कर देते हैं। कहने का मतलब है ये रिलीज करते हैं साइटोकाइन मॉलिक्यूल को। साइटोकाइन मॉलिक्यूल पूरी बॉडी के बाकी सारे सेल्स को, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स को, WBC सेल्स को बताते हैं, अरे देखो देखो उस जगह पे पैथोजन आया, फटाफट आओ फटाफट आओ। प्रोटीन्स को बुलाते हैं ताकि वहां पे उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया जा सके और इन्फ्लामेशन भी होती है उस जगह पे जैसे आप देखते हो ना हमारी रेडनेस हो जाती है, थोड़ा मोटा सा हो जाता है, तो इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे सेल्स आ गए हैं, प्रोटीन्स आ गए हैं जो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर हम यहां पे साइटोकाइंस में देखें तो साइटोकाइंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन, कीमोकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को बुला के लेकर आते हैं। तो इस तरीके से गाइस इननेट इम्यूनिटी होती है। बेसिकली इननेट इम्यूनिटी का काम है कि जो पैथोजन है उसको आने से रोके, या फिर कुछ तो ऐसा करे कि पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर ऐसा करे कि भाई अब तो यहाँ पे इननेट इम्यूनिटी क्या करेगी, फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देगी अगर उसकी बस की बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, हर एक के लिए लगभग सेम तरीके से एक्ट करती है। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया इननेट इम्यूनिटी के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।